राधे राधे दोस्तों, पति की उन्नति तरक्की के लिए सावन में हर सुहागन जरूर करें ये कार्य। माँ देगी मनचाहा आशीर्वाद। हे भोलेनाथ, सावन के आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करेगा उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना। जय माता पार्वती, जय भगवान शिव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सावन मास में सुहागिन महिलाओं को कौन से ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए, यह जानकारी आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। सावन का महीना सुहागिनों तथा कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। सुहागिनों की पैर से लेकर सर तक के भाग को सावन में अहम भूमिका माना जाता है, पवित्र माना जाता है। सुहागिनों का झूला झूलना, वर्षा आदि में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मास होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और सावन मास में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र पवित्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपके सभी संकटों को समाप्त करते हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगा जल और कोई भी एक लाल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा आपको धन से मालामाल कर देते हैं। क्योंकि सावन मास में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं। वह आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। बड़े से बड़े राक्षस को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। हम तो फिर भी एक मामूली से इंसान हैं और हम राक्षस की तरह बुरे स्वभाव के भी नहीं तो हमें तो महादेव की कृपा जरूर मिलेगी। बस मन में ईश्वर के प्रति लगाव, सच्ची आस्था, प्रेम भाव होना चाहिए, तभी महादेव का विशेष फल और हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आप भगवान शिव को अपने माता पिता सच्चे हृदय से एक बार मान के तो देखिए, वह आपकी हर इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। क्योंकि शिव जगत पिता हैं, एक बार आप सच्चे हृदय से पुकार कर तो देखिए, शिव दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर आप शिव से प्यार करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए एक लाइन तो लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज़्यादा बेहतर और पवित्र मास खास होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत जितना महत्व रखता है उतना ही माता पार्वती के निमित्त माता मंगला गौरी का व्रत हम सावन मास में करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे ऐसी कामना से सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत सावन मास में जरूर करती हैं। दोस्तों, सावन मास में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। यह सुख सौभाग्य कोई मामूली सुख सौभाग्य नहीं होता। कभी ना खत्म होने वाला धन, कभी ना खत्म होने वाला यश, कीर्ति, वैभव प्राप्त होता है। पति की उन्नति, तरक्की, उनकी आयु, दीर्घायु होती है। जहां आपके पति 70 साल जीने वाले होंगे तो उनकी उम्र और गुना बढ़ जाती है। संतान की प्राप्ति होती है। जिन माताएं बहनों के संतान नहीं हो रही थीं वह भी हो जाएंगी। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, सावन के मास में सभी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति की उन्नति तरक्की के लिए उन्हें जरूर करने चाहिए।
दोस्तों आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले श्रावण मास में सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। श्रावण मास में भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की पूजा आपको हर रोज़ करनी चाहिए, वह भी पूरे सावन मास आप करें। आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन हर रोज़ माता पार्वती को अगर सावन मास में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती हैं। किसी भी प्रकार की अगर पति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको यह कार्य जरूर करना चाहिए। माता पार्वती कभी अपने भक्त को निराश नहीं करती। दोस्तों माता को एक लाल फूल अवश्य अर्पित करें। रोज़ाना गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लाल सिंदूर रोज़ माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में भी ज़रूर भरें। यह कार्य आपको करना ही करना है और यह उपाय सभी के लिए है। दोस्तों अब आइए जानते हैं दूसरा कार्य। सावन के महीने में आपको और हर सभी सुहागिन महिलाओं को यह जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यह सावन मास है, हरियाली का मास है, बारिश का मौसम भी होता है। हर तरफ हरा ही हरा इस समय दिखाई देता है, यानी साफ साफ कहा जाए तो इस मौसम को प्यार का महीना भी कहा जाता है। और ऐसे में हरे रंग का सावन के महीने में बहुत विशेष महत्व होता है। दोस्तों ऐसे में सावन के मास में सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े जरूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं। उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आपको सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। हरे रंग का उपयोग चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें, पर हरे रंग का इस्तेमाल ज़रूर करें। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं। लेकिन याद रहे, सावन के पवित्र महीने में काला वस्त्र तथा सफ़ेद रंग का कपड़ा सुहागिन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए यह रंग अशुभ माना जाता है। हमारे वेदों के अनुसार जब से हमारी सृष्टि की संरचना हुई है तभी से वधू को शादी में लाल जोड़ा ही पहनाया जाता है। लाल, हरा, गुलाबी, महरूम, ऑरेंज कलर, यह सब शादी के जोड़े में वधू को पहनाया जाता है। भगवान शिव का जब विवाह हुआ था तब माता पार्वती लाल जोड़े में थीं। विष्णु जी का विवाह हुआ, माता लक्ष्मी लाल जोड़े में थीं। भगवान गणेश का जब विवाह हुआ तब रिद्धि सिद्धि लाल जोड़े में ही थी। शास्त्रों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि लाल जोड़े का महत्व एक सुहागिन के लिए कितना है। इसलिए सावन के महीने में लाल जोड़ा, लाल वस्त्र, लाल चूड़ी, मांग में लाल सिंदूर, लाल बिंदी लगाना, पैरों में लाल महावर लगाना अति शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे सावन में चार चांद लग जाते हैं और देव शक्तियाँ प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों तीसरा कार्य, सावन के महीने में किसी भी सुहागिन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। ख़ास तौर पर हर सुहागिन महिलाओं को सावन मास में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप अपने गले में मोतियों की चैन भी पहन सकते हैं, लेकिन सावन के मास में महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए। और अगर मंगलसूत्र है तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। एक बात का ध्यान यह रखिए कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ ना हो। किसी भी प्रकार से अगर मंगलसूत्र में कोई दिक्कत है तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार करवा लें और इसके बाद उसे सावन के महीने में पूरे मास आपको ज़रूर धारण करके रहना चाहिए। जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तभी ही उसके गले से मंगलसूत्र तोड़ दिया जाता है, उसे मंगलसूत्र से वंचित कर दिया जाता है। सावन के महीने में भूल कर भी किसी भी सुहागिन महिला को
काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। सुहागिन महिला का एकदम काले कपड़े पहनना मतलब काल को आमंत्रित करने के बराबर है। इससे भी पति की आयु दीर्घायु नहीं बल्कि मृत्यु को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। देखिए, हम हर रंग के कपड़े पहनते हैं और पहनने के भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन सावन के मास में आप काले रंग के कपड़े ना पहने, आप अन्य किसी भी रंग के कपड़े पहने, लेकिन काले रंग के कपड़े तथा एकदम सफ़ेद कपड़े से खास तौर पर सावन मास में दूरी बना लें। शादीशुदा महिला के सफ़ेद कपड़े पहनना भी विधवा होने की निशानी मानी जाती है, अर्थात विधवा होने का भयंकर रूप माना जाता है। इससे भी पति की आयु कम होती चली जाती है। सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगाते हैं, कोशिश तो यह करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंदूरी का सिंदूर है, सावन मास में आप थोड़ा वह भी मिलाएं लगाएं। अगर आप वह पीला सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगाएं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं वह ज़रूर लगाएं। सावन मास में आपकी मांग कभी खाली ना रखें, ऐसा करना अशुभ होता है। आप इस बात का भी ज़रूर ख्याल रखिएगा। अगर आपने अपने पति के नाम का सिंदूर खरीदा है या आपकी शादी का सिंदूर है तो बहुत ही शुभ माना जाता है, उसे संभाल कर रखें, सदैव रखें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पति के नाम के सिंदूर बड़ा ही महत्व रखता है, 7 फेरों के साथ बंधा होता है, जो आपके अटूट रिश्ते को दर्शाता है। इस सिंदूर को कभी बांटना नहीं चाहिए, नहीं तो पति का प्यार भी बढ़ जाता है और निकट भविष्य में आपके पति की मृत्यु भी जल्दी उम्र में हो जाती है। ऐसे सिंदूर बांटे नहीं बल्कि खुद अपनी मांग में भरें। कोशिश करें कि पति का नाम लेकर भरें। यदि सिंदूर की डिब्बी में सिंदूर खत्म हो जाए तो खत्म होने से पहले ही सिंदूर भर लेना चाहिए। सिंदूर भरा होने से धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास बनाए रखती हैं। उस घर में धन की कभी कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, सावन मास में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ यह कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर में गृह क्लेश नहीं होता। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज़्यादा शुभकारी होता है, जो कि करना भी चाहिए हर महिला को खास मौक़ों पर। लेकिन अगर पूरे मास में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में सावन के महीने में, जैसे हमने आपको बताया, मंगलसूत्र सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वस्त्रों के रंग का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहनते हैं तो काले रंग के ना पहने, उसी प्रकार से आप अपने पैरों में बिछिया और पायल सावन मास में ज़रूर पहननी चाहिए। दोस्तों, देखिए, घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत ही शुभता आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं उनसे घर में पॉजिटिविटी बहुत बढ़ती है और उनकी आवाज़ से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और स्वयं आपके घर पधारती हैं, आपके पति को आशीर्वाद देती हैं। तो ऐसे में सावन मास में आपको ये सब जरूर करना चाहिए। आपके ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती। तो ऐसे में खासकर आप अपने पैरों में बिछुआ और पायल जरूर पहन कर रखें, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा। सावन में श्रृंगार करना सुहागिनों की बड़ी अहम भूमिका रहती है। सावन के महीने में सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदें और हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहें तो रिश्तेदारों में बांटें, पड़ोसियों को बांटें,
तथा अपने परिवार में बांटें। बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति भी सावन के महीने में सुहाग की सामग्री बांटते हैं। बड़ा शुभ लाभ प्राप्त होता है। इससे घर की प्रगति होती है, उन्नति होती है, पति की आयु बढ़ती है, पति पत्नी का रिश्ता अमर हो जाता है, प्रेम का असीम सुख प्राप्त होता है। माता पिता भी अपने संतान के लिए सुख के लिए सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं, गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं, पर शर्त यह है कि नई सामग्री, नए नए आभूषण, नए नए श्रृंगार आदि होने चाहिए। इससे भोले बाबा और माता पार्वती अति प्रसन्न होते हैं और खुश होकर सुख समृद्धि वैभव का वरदान देते हैं। अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदिया, हरी भरी चूड़ियाँ, बिछुआ, पायल, इस प्रकार की चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देना चाहिए। लेकिन याद रहे, अपने खुद का मेकअप कभी किसी को दान ना करें और ना ही किसी को दें। श्रृंगार आप नया ही खरीदें और बांटें। सावन के महीने में मेहंदी हर विवाहित महिला को अपने हाथों पर जरूर रचनी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी सभी चीज़ें सुहाग की निशानी होती हैं और सावन के मास में माता पार्वती की पूजा व आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो इससे माता और हम पर प्रसन्न होती हैं और हमें मनचाहा आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको यह सभी आठों कार्य करने हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही सरल और आसानी से आप कर भी सकते हैं। लेकिन ध्यानपूर्वक सावन के महीने में सभी सुहागिन महिलाएं इन कार्यों को जरूर कर लें, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा। यह पवित्र महीना इसके बिना रूखा सूखा माना जाता है। आपका व्रत भी इसके बिना अधूरा रह जाएगा। सावन में छोटी छोटी कन्याओं को चूड़ियां भेंट करने से, बिंदी भेंट करने से, पायल भेंट करने से और अपने हाथों से खुद उनकी कलाइयों में चूड़ियां पहनाने से नौ देवी अर्थात ब्रह्मांड की देवी प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी, माता काली, माता सरस्वती तीनों देवियों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान भोले बाबा की कृपा बरसती है, माता पार्वती की कृपा बरसती है। लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती हैं। कन्याओं में साक्षात देवी माँ बसती हैं। अगर कृपा माप पाना है तो सावन में छोटी छोटी कन्याओं को यह चीज़ें भेंट अवश्य करें। यह मौका हाथों से मत जाने देना। साल में एक ही बार आता है सावन का पवित्र महीना, तो कन्याओं को अवश्य बांटें यह सभी सामग्री। कन्याओं को यह सभी सामग्री बांटने से आपके कई तीर्थ यात्रा पूर्ण माने जाते हैं। 100 यज्ञ करने के बराबर, गंगा स्नान करने के बराबर, गौ दान करने के बराबर, गाय माता को भोजन कराने के बराबर ही माना जाता है। दोस्तों, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।